है हिंदी, एक सहज अभिव्यक्ति है हिंदी, हर भारतीय की शक्ति है हिंदी, एक सहज अभिव्यक्ति है हिंदी। लगे आसान वेद पुराण उपनिषद जब हिंदी में सुनते हैं, लगे आसान वेद पुराण उपनिषद जब हिंदी में सुनते हैं, कोई संशय शेष नहीं रहता जब निज भाषा में भावार्थ समझते हैं, जब निज भाषा में भावार्थ समझते हैं। गूंजी हिंदी जब विश्व पटल पर स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी की जय जयकार, हिंदी की जय जयकार, हिंदी की जय जयकार। सुप्रभात, नमस्कार, आप सभी का अभिवादन। परम आदरणीय प्रभारी प्राचार्य पांडे सर, अर्चना मैम, मेरे शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, आज आप सभी को पता है कि हम हिंदी दिवस मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं और हिंदी दिवस प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हम पूरी परंपरा का पालन करते हुए मना रहे हैं। सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने सर्वप्रथम व्यवहार राजेंद्र सिंह जी, जो एक बहुत अच्छे लेखक, प्रकांड विद्वान और साहित्यकार हुए, उनके 50वें जन्मदिन को 14 सितंबर को हिंदी के दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया। बाद में राष्ट्रभाषा समिति ने 14 सितंबर 1949 को इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया और तब से आज तक हम इसे हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। बच्चों, प्रश्न ये उठता है कि जब हमारी हिंदी हमारी भाषा है तो हम इसे दिवस के रूप में क्यों मनाएं? क्यों ना हम इसका रोज प्रयोग करें, रोज हम इसे बोलें और हर दिन हिंदी का ही दिन हो? क्या ये संभव है? जरूर संभव है अगर हम प्रयास करेंगे तब। हम जब भी हिंदी दिवस की बात करते हैं तो छोटी छोटी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, केवल हिंदी पखवाड़ा मनाना है, हिंदी दिवस मनाना है, उस दिन कुछ प्रतियोगिताएं होती हैं जिनमें सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हैं, इसके बाद उस बात को साल भर के लिए भूल जाते हैं। किंतु इस तरह से ना तो हिंदी का विकास होगा, ना हिंदी उतनी समृद्ध होगी जितनी हम चाहते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हिंदी विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। लगभग 5 करोड़ लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं और सिर्फ हिंदी भाषा को ही संवाद के रूप में अपनाते हैं। इतनी समृद्ध और विकसित भाषा को अगर हिंदी दिवस की जरूरत पड़े तो ये आवश्यक रूप से चलना है। हमें हिंदी को अपनाना है, आत्मसात करना है, ना कि एक दिन हिंदी दिवस मना के इति कर लेना है। कुछ दिन पहले बच्चों, मैंने एक खुशवंत सिंह जी, जो बहुत अच्छे लेखक हैं, उनका एक लेख पढ़ा जिसमें उन्होंने हिंदी पे व्यंग करते हुए कई चीजें लिखी। जैसे जब हम हिंदी का प्रयोग करते हैं और हिंदी पखवाड़ा चलता है तो हमें यहाँ से निर्देश मिलता है या आधिकारिक तौर पर निर्देश दिया जाता है कि हिंदी का ही प्रयोग करें, तब बच्चे सिर्फ हिंदी बोलते हैं। उसके बीच में अगर किसी ने अंग्रेजी के किसी शब्द का प्रयोग कर दिया तो उपहास का कारण बनता है। कल मैं IFM रेडियो सुन रही थी तो उसमें एक प्रतियोगिता थी, प्रतिभागी आएंगे और हिंदी में केक या कोल्ड कॉफी, ठंडी कॉफी बनाने की विधि बताएंगे। एक छोटा सा बच्चा 7 वर्ष की आई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में पढ़ता था, प्रतिभागी के रूप में आया, उसने बहुत अच्छे से कोल्ड कॉफी बनाने की विधि बताई, केक बनाने की विधि बताई, मगर अंत में उसने बाउल शब्द का प्रयोग किया। तुरंत जो निर्णायक थे उन्होंने कहा कि बोल को हिंदी में कटोरा कहते हैं और वो बच्चा जिसने इतनी मेहनत की, पूरे अपनी बात हिंदी में कही, उसको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। क्या ये आवश्यक था? नहीं, बिल्कुल आवश्यक नहीं था। हाँ, इस तरह से हिंदी का उपहास ही कर रहे हैं। क्या हुआ अगर हिंदी में कुछ शब्द मिल गए अंग्रेजी के, कुछ अरबी के, कुछ फारसी के, कुछ उर्दू के? हिंदी तो एक समुद्र है जिसमें बहुत सारी नदियां मिल सकती हैं, तो इन भाषाओं को अगर हम छोटी नदी समझ लें और हमारे इस हिंदी के अथाह समुद्र में मिल जाने दें तो इसमें क्या गलत है? क्या हुआ अगर हमने रेलगाड़ी को लोह पटरागिनी नहीं कहा? क्या हुआ अगर हमने टेलीफोन को दूरभाष नहीं कहा? ये तो बहुत छोटे छोटे शब्द हैं और हिंदी तो अथाह है, अगर इसमें इन सब को मिला भी दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। मैं बात कर रही थी उस खुशवंत सिंह जी के लेख की जिसमें उन्होंने ये कहा कि हिंदी दिवस नहीं बल्कि
नए वस्त्र प्रदान किए जाते हैं, उसको भी ईश्वरीय स्वरूप मान लिया जाता है। लेकिन अगर दूसरे ही दिन हमें आसपास कहीं नाग दिख गया तो हम क्या करते हैं? तुरंत डंडा उठा के उसको मार देते हैं। यही स्थिति हमने हिंदी की बना दी। हिंदी दिवस मनाया, हिंदी पखवाड़ा मनाया और अब हिंदी माह मनाई, लेकिन हिंदी को आत्मसात नहीं करते, प्रयोग नहीं करते हिंदी का। हिंदी की दशा वो करती है उस बालक के जैसी है, उस माता पिता के जैसी है जिनके परिवार में ये सोचा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस मेरे घर में नहीं होना चाहिए, बगल वाले घर में होना चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा शहादत के लिए नहीं बना। हिंदी हम बोलना चाहते हैं, बोलते भी हैं, पुरस्कार भी लेते हैं हिंदी पखवाड़े में, लेकिन अगले ही दिन अगर कोई बच्चा हिंदी का प्रयोग कर रहा है या कहीं कोई अंग्रेजी भाषा में संवाद हो रहा है और कोई ठीक से नहीं बोल पा रहा है तो हम उसका उपहास करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना। जब तक हम हिंदी को अपने व्यवहार में शामिल नहीं करेंगे तब तक हिंदी समृद्ध नहीं होगी। हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा मना लेने से हिंदी विकास नहीं करेगी, उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी, कोई विकास उसका नहीं हो पाएगा और ना ही हम हिंदी को उस मुकाम तक पहुंचा पाएंगे जहां हम उसे देखना चाहते हैं। तो बच्चों, मेरा आज इस दिन आप सब से ये निवेदन है कि हिंदी को पढ़ें, हिंदी को लिखें, हिंदी को अपनाने में शर्म ना महसूस करें। अगर आप अपनी बात को हिंदी में कहना चाहते हैं और अगर वो आपके लिए सुलभ है तो स्पष्ट रूप से करें। आवश्यक नहीं है कि अगर आपने किसी और भाषा में किसी शब्द का प्रयोग उसमें कर लिया तो वो गलत होगा। आवश्यकता है केवल अपनी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों के बीच में पहुँचाने की और अपनी बात को सुलभ सहज भाषा में सबको समझाने की। एक बार पुनः आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय है।